ट्रैवल व्लॉग की सीरीज में मैंने आपको दिखाया कि डे वन में हम गए सेलुलर जेल जो कि अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में है। डे सेकंड में हमने अंडमान के होटल से चेकआउट किया और हम पहुंचे हैवलोक आइलैंड जो कि पोर्ट ब्लेयर से 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। Hey guys, good morning, what's up, welcome back to the channel. Hope you guys are absolutely fine. तो आज मेरा थर्ड डे है यहाँ पे और हम जाएंगे एक आइलैंड पे जहाँ का एंट्री चार्ज जो है एंट्री टिकट 1000 rupees है। वी आर गोइंग टू द एलिफेंट आइलैंड जहाँ पे हम पूरा दिन एक्टिविटीज करेंगे, इनफैक्ट स्नॉकलिंग करेंगे। मेरा मन था कि हम लोग वो स्कूबा करें बट ये लोग सब डर रहे हैं, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं है। सो एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे बिकॉज बहुत शांति है। इससे पहले हम गोवा गए थे, लाइक एज कम्पेयर टू अगर गोवा मैं बात करूँ ये काफ़ी पीसफुल है। और लाइक अगर आप शांति के लिए आ रहे हो, रिलैक्स करने के लिए आ रहे हो, बीचेस के लिए आ रहे हो तो दिस इज़ द बेस्ट एंड द सेफ एंड द राइट प्लेस। लेट्स कम। मम्मी पापा यहाँ बैठे हुए हैं एज़ यूजुअल, पापा हमेशा फ़ोन पे लगे रहते हैं, मम्मी वहाँ बैठी हुई है तो अभी इनके लिए हम चाय बनाते हैं बढ़िया सी। सो प्लीज़ इग्नोर द कंडीशन ऑफ माई रूम एज़ यूजुअल, हमेशा बच्चों के साथ ऐसा ही होता है, रूम बहुत जल्दी मैसी हो जाता है। मेरा थोड़ा टी बनाने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है, जस्ट गिव मी सम टाइम, मेरा पानी बॉयल हो जाए फिर मैं आपको मिलती हूँ। कि जब मैंने पानी बॉयल किया था तो इसके अंदर जिंजर भी बॉयल कर ली थी। मम्मी बोल रहे खाली पानी उबाला, अदरक नहीं डाली है। मम्मी अदरक दूंगी। तो वैसे तो चाय इज़ वेरी सिंपल, सब बना लेते हैं, बट मैं थोड़ा मिल्क ज़्यादा वाली पीती हूँ तो मैं हर चीज़ के 2 packets ऐड करती हूँ जिससे ना आपको फील नहीं होगा कि आप पाउडर वाली चाय पी रहे हो। 1 packet एंड द सेकेंड पैकेट। शुगर तो एज यूजुअल बहुत कम लगती है ये वाली, तो ये भी हमने 2 packets डाल दिया। थोड़ा नीचे कर रहा है, प्लीज़ अवॉइड करना, थोड़ा जल्दी बनाने की कोशिश कर रही हूँ तो उस चक्कर में मैं थोड़ी नर्वस हो गई हूँ। टी बैग्स, अब इससे हमारी एकदम स्ट्रॉन्ग मीठी और दूध वाली चाय बनेगी। तो हमारी चाय रेडी है। मम्मी थोड़ी सी चाहिए ना तुम्हें? तो बस इसी प्रोसेस से मैं सबको बना के दे देती हूँ। कितने प्यारे लग रहे हैं वाले कॉटेज। तो अभी गाइस हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। इडली, आई डोंट नो, सेवियां, चटनी, सांभर, जूस। सो गाइस अच्छे से ब्रेकफास्ट करने के बाद, अच्छे से झूला झूलने के बाद मैं इनको लेके जा रही हूँ पूल पे, नहलाने के लिए नहीं, सिर्फ दिखाने के लिए। कैसा लगा मेरा मजाक? आप तो आज उड़ा रहे हो, जा ही नहीं रहा। नहाने आपको पूल पे? तो मैं सुबह से उठा रही थी, आपको उठाई नहीं आप। देख पापा आ गए। कहाँ पे जाएंगे? कहाँ पे जाएंगे? यहाँ पे नारियल टूट रहे हैं, कितने छोटे छोटे और कितने सारे नारियल है, देखो वो गिरा क्या। मम्मी कह रही किन्ने सड़ा दिया। पापा लो, टूटा हुआ हेलमेट मिल गया मम्मी, टूटा हुआ मिल गया। ओ वो भी लेकर भाग गए। आराम से चलाना पापा। बदल दिया। मेरा बदल लाया। 9 बज गए किसी के चक्कर में, 7 बजे तैयार होकर खड़ी हूँ मैं। तो रात को बता के सोना चाहिए ना, साफ करेगी जाकर। रात को बता के सोना चाहिए कि जल्दी मत उठना। रिदांश तो तेरा ही फेवर लेगा। कितने बजे बोला था मैंने? 7 बजे बोला था। देखा मम्मी भी बोल रही है। हाँ चलो, इतना स्लो चलाते हो तुम लोग। सो गाइस मॉर्निंग के बजे 9 और हम पहुंच चुके हैं पोर्ट पर जहां से हम अपना शिप या क्रूज लेंगे। वो बताओ ये भैया तो वही है ना सर? एलिफेंट है भाई, बोट जाते हैं। 1000 rupees आपका जाना आना, स्नॉर्कलिंग कॉम्प्लीमेंट्री। खाना भी है? जाना आना, खाना तो खाना उधर मिलेगा। हाँ, आपको फ्रूट सलाद वगैरह, स्नैक्स वगैरह वहाँ पे मिल जाएगा। तो बेसिकली एलिफेंट आइलैंड पे जाने के लिए आपको 1000 rupees पर पर्सन के हिसाब से पे करना पड़ेगा। आइलैंड पे जाने की बुकिंग या तो आप अपने होटल पे करा सकते हैं या फिर किसी एजेंट से या डायरेक्ट काउंटर पे आके। प्राइस आपको हर जगह सेम ही पड़ने वाले हैं। तो हमने अपनी टिकट इस काउंटर से लिया और यहाँ पर आपको कंप्लीट ब्रीफिंग की जाएगी कि क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है। अगर आपका बच्चा 3 साल से कम एज का है तो आपको कुछ पे नहीं करना है। 3 से 5 साल के लिए आपको 500 पे करना है और अगर आपका बच्चा 5 साल से अबव है तो आपको कंप्लीट फुल टिकट लेना होगा। तो ये हमारी टिकट्स आ गई है 7500 rupees की। तो अब हम वहाँ जा रहे हैं, थोड़ा ब्रीफ करेंगे, उसके बाद हमें बोट पे लेकर जाएंगे। ये गेट टू फाइनली, फाइनली मम्मी आज जा रही है स्नॉर्कलिंग करने। देखो सारी बोट बांधी हुई है। गुड मॉर्निंग टू ऑल, मेरा नाम ऋतिक है, आप लोग जा रहे हैं एलिफेंट बीच के लिए और ये जो टिकट है आप लोग शेयरिंग करके जा। यहाँ पर भैया हमें ब्रीफिंग कर रहे हैं कि क्या हमें करना है और क्या नहीं करना। तो मिनिमम बोट को चलाने के लिए 10 passengers चाहिए। अगर पैसेंजर 10 से कम होते हैं तो बोट नहीं चलेगी, उसके लिए आपको वेट करना होगा। इस ट्रिप की ड्यूरेशन 3 hours की है। मीनवाइल अगर ट्रिप से कोई पहले आना चाहता है तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ बोट वापस आएगी। भैया कितनी देर लगेगी पहुँचने में? 15 minutes। ऐसा लगता है कैब में बैठो तो गैल उतर गए, बस में बैठो तो गैल उतर गए, बोट में बैठे तो भी जल्दी उतर जाएंगे। वो 10000 में पर्सनल बोट है। तू एक काम करता ना, 3500 रुपए वाली पर्सनल करा लेता। 3500 में पर्सनल थोड़ी होती है।
मतलब 3500 पर हेड के हिसाब से। बोट के चलते ही मजा तो बहुत आता है, पर दिल की धड़कन थोड़ी बढ़ जाती है। बात तो सही है। बीच पर भीड़ होती है, सबको आइडेंटिफाई करने के लिए भैया हमारे हाथ पर यहाँ पिंक कलर के रिबन बांध रहे हैं ताकि हमें ढूंढने में आसानी रहे। तो हम लोग पहुँच तो चुके हैं, अब लेट्स सी की कौन कौन सी एक्टिविटी हम करेंगे। और सबसे सबसे गंदी वाली बात ये हो गई है कि मेरे फोन की मेमोरी भर गई है। तो इस तरह के खाने पीने के स्टॉल्स भी यहाँ पर है। भैया इस टेलिंग की चेंजिंग रूम फ्री ऑफ कॉस्ट है, और अगर आपको वॉशरूम यूज करना है या नहाना है तो वो चार्जेबल है। तो लेट मी शो यू, जितनी सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है सब पेड है एक्सेप्ट देन द स्नॉर्कलिंग। एलिफेंट बीच अंडमान और निकोबार के सबसे प्रसिद्ध अंडमान तटों में से एक है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए या तो आप बोट से आ सकते हैं या फिर 30 मिनट की जंगल ट्रैक के द्वारा आसानी से पहुँच सकते हैं। और ये बीच फेमस है अपने नीले पानी, चमकदार रेत और एकदम पीसफुल प्लेस के लिए। और यू नो यहाँ पर मैक्सिमम लोग इसीलिए आना पसंद करते हैं। तो स्नॉर्कलिंग के 3 लेवल्स होते हैं। लेवल 1 और 2 आपके 1000 रुपीज के एंट्री चार्ज में इंक्लूड होता है, जिसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं पे करना होता। अगर आप लेवल 3 पे जाके स्नॉर्कलिंग करना चाहते हो तो उसके लिए आपको 1000 रुपीज पर पर्सन अलग से पे करना पड़ेगा। अगर आपकी एज 8 ईयर प्लस है तो यू कैन डू द स्नॉर्कलिंग। यू नो काफी सारे लोगों को ना समुद्र में जाने से डर लगता है, पर फिर भी वो सी लाइफ देखना चाहते हैं, तो उनके लिए स्नॉर्कलिंग करना बेस्ट है। यू नो स्नॉर्कलिंग में आप समुद्र की सतह पर रहकर समुद्री जीवों का मजा ले सकते हैं। अगर आप एक गुड स्विमर हैं या फिर आपको मेरी तरह तैरना नहीं आता, फिर भी आपके साथ एक एक्सपर्ट पर्सनल गाइड जाएगा स्नॉर्कलिंग कराने के लिए। स्नॉर्कलिंग में आपको एक मास्क पहनाया जाता है और इसमें सांस लेने के लिए एक ट्यूब होती है, जिससे आप अपना चेहरा पानी में डुबाने के बावजूद भी सांस ले सकते हैं। वैसे अपने आप में ये बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस है कि पानी की सतह पर तैरना, समुद्री जीवों की जिंदगी को देखना, सुंदर सुंदर मछलियां जब आपके सामने आती है ना तो ऐसा लगता है बस पलक झपकके इन्हें पकड़ लो, पर ये मछलियां आपके हाथ नहीं आने वाली। तो अभी हम लोग बाहर आ चुके हैं और बहुत तेज भूख लग रही है, और सबसे बड़ी बात ठंड लग रही है। हम सोच रहे थे शावर ले लें, बट एक्चुअली लाइन इतनी ज्यादा लंबी थी तो शावर नहीं ले पाए, कपड़े चेंज किए हैं। अभी फिलहाल हम समोसा चाट खा रहे हैं और पीछे आप देख रहे होंगे भुक्कड़ है, जब से आया खाए जा रहा है। सारा काउंटर का खाना खत्म कर दिया अकेले में। नेवर ना, मेरा बदनाम है। अब देखते ही कैमरा भाग गया परे। व्हाट इज दिस, वैसे नाम क्या है? झानमुड़ी। 70 रुपए की बोतल है। तो अभी वी आर गोइंग बैक, अभी हम यहाँ से जाएंगे हैवलॉक और इसको बैग टांगने। ले ले भाई तू ले ले, है ना। सो एक चीज और है जो बैड पार्ट भी है या ठीक पार्ट भी है, जिस छोटे वाले हम उसमें आए थे जिस छोटे वाले शिप में हम आए थे, जब तक अगर 10 लोग पूरे नहीं हो जाएंगे तब तक शिप नहीं जाएगा। तो हमारे साथ वाले लोग नहीं मिल रहे थे, अब वो मिल गए, तो फाइनली वी आर गोइंग बैक। लाइफ जैकेट पहना दी है, ऐसा लग रहा है नहाने के बाद ना स्किन कुछ ज्यादा ही टैन हो रही है, कुछ ज्यादा ही जल रहा है, लग रहा है कि जल्दी से ना होटल के रूम में पहुंचे और जाके सो जाऊं 2 घंटे के लिए। जब हम लोग जा रहे थे तो हमारी बोट पानी के सेम डायरेक्शन में जा रही थी, अब हमारी बोट वाटर के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, जिससे बोट में झटके ऐसे लग रहे हैं जैसे हम रोडवेज बस में बैठ के गाँव की सड़कों पर चल रहे हैं। चुके हैं बैक टू हैवलॉन। अब इसके बाद हम जाएंगे पहले होटल, बिकॉज हमें अपने कपड़े चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि हम सारे भीग चुके हैं। तो यहाँ पे मिक्स वेज दाल और क्वांटिटी इतनी मिलेगी, आधी आधी। और सच बताऊँ बहुत ज़्यादा थक गए थे, रेस्ट करना चाहते थे, बट पंगा ये है कि कल अर्ली मॉर्निंग हमें निकलना है, और दूसरी बात यह है कि पूल के जो क्लोज वाले टाइम है ना वो 6 बजे तक के हैं, तो सिर्फ हमारे पास 1 घंटा ही है। गट्टू ने नया चश्मा लिया है तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट चालू है। ये वाव कह रहा है मुझे पानी के अंदर भी तो जाना, नाक भी बंद रखनी है, पता चले कान में बचा लिया पर नाक में पानी घुस गया। आए इधर। अब बच चुके हैं शाम के 6 और मुझे लग रही थी चाय की हुड़क, और सच बताऊं उससे भी ज्यादा हुड़क लग रही थी घूमने की। तो मैं चुपचाप दीपक को लेकर निकल गई अंडमान के रोडों पर। हम अपने एरिया से 9-10 किलोमीटर दूर तक गए, बिल्कुल सुनसान रास्ते थे, बहुत डर लग रहा था। दूर दूर तक हमने फ्रेश मिल्क की चाय की तलाश की पर हमें कहीं चाय नहीं मिली। सब जगह आई कैन से हैवलॉक, एलिफेंट आइलैंड, नील आइलैंड, इन सब जगहों पर आपको चाय जो है वो पाउडर वाली ही मिलने वाली है। तो ले दे के मुझे एक दूध का डब्बा दिखाई दिया, ये हमने खरीदा। और उसके बाद इसमें क्या येलो में मलाई होती है? दे दो फिर, यही दे दो। और इसमें इसमें क्या खासियत है? लंबे में मोटी मलाई, इसमें पतली मलाई, मीठा पानी। ये नया है, ये पुराना है? तो ये नया कैसे है? आज थोड़ा है। अच्छा, और ये पुराना फूटा हुआ है? तो ये भी कल हरा हो जाएगा? तो तू ये बोल रहा है ये कल थोड़ा, ये आज थोड़ा है,
कोकोनट तेल है हाँ। इसमें नारियल नहीं बनता, इसमें बनता। अच्छा, इसमें नारियल नहीं बनता, इसमें बनता।